दोस्तों सुबह के आलसपन को दूर करने के लिए सबसे पहला योगा अभ्यास हम करेंगे नमन आसन। इसे करने के लिए ऐसे वज्रासन पर बैठ जाते हैं और फिर आप अपने दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर रखना है और अपने सिर का ये वाले हिस्से को आपने ऐसे जमीन पर रखना है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। नमन आसन इसे करने से हमें शीर्षासन के आधे लाभ मिलते हैं और सुबह के आलसपन को दूर करने के लिए नमन आसन बहुत ही अच्छा होता है। इसे करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्त समस्याएं दूर होती हैं। 10 सेकंड इसी स्थिति में रहिए या फिर आप अपने दोनों हाथों से आप अपने पैरों के घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए और अपना ध्यान अपने नाभि केंद्र पर लगाइए। इस स्थिति में आपके दोनों आंखें खुली हुई हों, फिर अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पास ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस नमन आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट योगा अभ्यास करेंगे, शशांक और भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप सुबह उठते ही इस शशांक भुजंग आसन को 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए पहले हम ऐसे वज्रासन पर बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन की पोजिशन में ऐसे आते हैं। 5 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन में आना है, अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और ऊपर की तरफ देखिए, फिर श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन की पोजीशन में ऐसे आते हैं, अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कीजिए, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन में आएंगे। पहले आप इसे स्लोली स्लोली कीजिए, फिर इसे आप तीव्रता से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर को है, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन की पोजीशन में आते हैं। इसे करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और पूरा दिन आप अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। सुबह उठते ही आप अपने बिस्तर पर इन योगाभ्यासों को 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है और नियमित क्रिया के लिए यह आपको अधिक आप और अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।